Hi guys, and welcome to the News Now Nation show. Today we are talking to Faizal Malik, which is a very, very monumental day for us as a channel. And we are really, really excited to talk to somebody who is so credible and who's so established in the film industry. Sir is known for his roles in Gangs of Wasseypur. He is also known for his role in Panchayat. And he's known for 100 different things, which I don't think I can name unless I read his IMDb page. So I'm going to stop there. And we're going to talk to him about lockdown, about the film industry, about show business in general. And hopefully, humko thode interesting insights milenge, insider information milega about exactly how ये इंडस्ट्री कैसे चलती है एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस इंडस्ट्री में. हाय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम. जस्ट टू स्टार्ट, आई वांट टू आस्क यू हाउ यू आर डूइंग एंड आपके लिए लॉकडाउन कैसा हुआ है. एंड अभी एक साल हो चुका है लॉकडाउन का. आई थिंक हम लोग नॉर्मल लाइफ भूल चुके हैं, तो आपके लिए कैसा है लॉकडाउन? शुरुआत मतलब शुरू से लेके अभी तक तो टफ ही रहा है इन टर्म्स ऑफ काम वाम, बट बहुत चीजें सीखा है, बहुत चीजें कुकिंग सीख लिया है मैंने. ट्राई कर रहा हूँ लोगों पे, बना के खिला रहा हूँ कि भाई वीडियो देख देख के. और अच्छा था लॉकडाउन, काफी टफ रहा. काफी लोग भी चले गए, डेथ हो गई, और दोस्त यार सब बहुत और फिर भी टफ है, चल रहा है. मुझसे ज्यादा बहुत से लोग और बहुत परेशान हैं जिनके पास काम नहीं है, और जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ से काम करने के लिए बाहर चले गए और फिर उसके बाद वहां भी फंस गए. तो इट्स अ टफ टाइम. वी ऑल हैव टू बी टुगेदर एंड बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. नो, एग्जैक्टली, यू आर राइट. एंड इट इज अ टफ टाइम. एंड द अमाउंट ऑफ पेन जो मतलब जो काइंड ऑफ टाइम जो कुछ लोगों पर बीत रही है, कांट इवन इमेजिन. एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू नो वी हैव इट इजियर. इनफैक्ट इवन दो शो बिजनेस पीपल आर कंज्यूमिंग कंटेंट, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं एक घंटा टीवी देखती थी तो वो चार घंटा हो चुका है. इवन देन द शो बिजनेस इज स्टिल बैडली हिट एंड काम नहीं मिल रहा है लोगों को. एंड जो यू नो जो लोएस्ट रंग थे, जो बैकग्राउंड डांसर्स थे, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए. Because I don't know, अगर आप as a producer क्या shooting हो सकती है lockdown में social distancing करके, या it's completely impossible? Shooting तो हो रही है, as in technically ऐसा नहीं हो रही है. लोग काफी shoot करना, अभी तो ज़्यादा छह महीना सात महीना कुछ नहीं था, पर वो बहुत tough time था as in. पर सच में लॉकडाउन का प्रोसेस भी यहाँ एक्चुअली बॉम्बे या बॉम्बे के लोग जो यूनिट के लोग हैं वो काफी ज्यादा अवेयर हैं इस सब चीजों से. तो बेचारे कर भी रहे हैं किसी न किसी तरीके से. और उसको हमने भी एक शो किया ब्लैक विडोज Z5 के लिए, वो भी लॉकडाउन में किया. कलकत्ता में जाके किया और मतलब डरे थे सब लोग. डेढ़ महीना लोग मतलब एक होटल में ही थे और सीधा शूट पे जाते, वहां से वापस आते थे. डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती थी, 10-11 घंटे में कलकत्ता पहुंचते थे. इसके और काफी टफ था मतलब. पर यही था कि मतलब किसी को कोरोना नहीं हुआ सब, मतलब गाइडलाइन फॉलो किया लोगों ने और ठीक से रहा. पर ये है कि जो आप सही कह रही हैं कि जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं, स्पॉट बॉयज हैं, जो डेली वेजेस के लोग हैं, उनको बेचारों को तो बहुत तकलीफ हो रही है. हमारे इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह हो रही है. Absolutely. वो ऐसा है जी. तो उसका अब उसका मतलब कि कांट से कि ये कैसे इसको काम से ही काम होगा तभी समथिंग विल हैपन एंड देन दिस थिंग गॉट सॉल्व. बिकॉज वो जो प्रोसेस है ना, वो तभी शुरू होगा जब काम होगा. काम होगा तो पैसे होंगे तो कंटेंट वाइज भी देखा जाए तो कंजम्पशन इतना ज्यादा हो गया है तो कंटेंट बनाना भी पड़ रहा है. करें. बनाने में वो अभी क्या है, पब्लिक भी थोड़ा सा ज्यादा इनटेक कर रही है कंटेंट, क्योंकि और कुछ है बचा नहीं. पर बहुत चीजें अच्छी हुई है कि लोगों ने अच्छा कंटेंट को अच्छा बोला है, और जो बुरा है वो बुरा है ही है. तो वो पहले की तरह आप झूठ बोल के उसको दिखा नहीं सकते कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो ऑडियंस बहुत ज्यादा अच्छा अवेयर हो गया है, मुझे लगता है ये बहुत प्लस पॉइंट रहा है. द शोज विच गॉट हिट एंड जो टेक्निकली हिट हुए, तो वो मतलब पहले छुप जाता था ना अच्छा काम, और
तो पहले ये था कि एक व्हील था, व्हील के अंदर स्पोक होते हैं ना, वैसा था कि भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो। पर अभी ऐसा है नहीं, अभी जो करेक्ट होगा वही लोग देखेंगे, जो गलत जो अच्छा नहीं होगा वो लोग नहीं देखेंगे। हाँ? तो आपको कुछ भी कर लीजिए, तो ऑडियंस के हाथ में बहुत कुछ है अभी। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो गया है इन टर्म्स ऑफ लोगों को क्या देख। नहीं तो जैसे जैसे अभी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी, मतलब बिग बिग टिकट बिग बजट मूवी जो अभी रिसेंटली आई है और जो बहुत खराब थी ऑब्जेक्टिवली मूवी, उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर वो थिएटर्स में आती, ट्रेडिशनल सेंस में आती, तो इंक्लूडिंग समबडी लाइक मी, मैं जाकर देखती थिएटर में पॉपकॉर्न खाते खाते। एंड वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि अभी किसी के पास टाइम नहीं है देने को टू कंटेंट जो उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि वो एक वही कह रहा ना कि आप एक उसमें थे, एक एक प्रोसेस में थे कि चले ही गए, खड़े हैं तो दो ही पिक्चर देख लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। अभी लोगों को टाइम टाइम का बड़ा वैल्यू हो गया है कि मैं ये 2 घंटा क्यों देखूं इसको, टाइम वेस्ट होगा इसको देखने। बहुत बहुत पहले वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस अच्छी अच्छी चीज है, ये इसे रहनी चाहिए जिंदगी भर, तभी हम जैसे लोगों जो है काम होगा। क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग काम करते पता ही नहीं लगता था, अच्छा ये आए चले गए ऐसा। करेक्ट। अब लोगों ने जैसे पंचायत को अच्छा बोला, गुल्लक अभी एक अच्छा बहुत अच्छी सीरीज आई है सोनी लिव पे। करेक्ट। और काफी कुछ अच्छा अच्छा लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा बनाना पड़ेगा। आपका ओपिनियन टुवर्ड्स पंचायत, ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस तो होगा ही क्योंकि एकदम आपका शो है, बट पंचायत वॉज सो वेल एक्सेप्टेड एंड इट गॉट सो वाइडली कंज्यूम्ड, व्हाई डू यू थिंक, मतलब आपको क्यों लगता है इतना हिट हुआ या इतना कनेक्ट हुआ अपने ऑडियंस के साथ? एंड क्या आपको लगता है अगर ये लॉकडाउन नहीं होता या कोरोना वायरस नहीं हुआ होता तो उतना ही उसका सक्सेस होता? देखिए क्या है कि जब कभी भी कोई चीज अच्छी होती है ना टेक्निकली, तो कहीं ना कहीं से अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वर्ड ऑफ माउथ से होता वो। आप समझ रहे हैं, वो उतना ही पोटेंशियल, जिसके शो का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था ना। हाँ। ये कि लॉकडाउन से थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि लोगों ने देख लिया। हाँ। वरना कभी कभी क्या होता है, भरा रहता है ना विंडो आपका, तो आपको चॉइसेस का बड़ा चक्कर होता है। और सरलता क्या होती है ना, कभी कभी बहुत नॉर्मल चीज आपको अच्छी लग जाती है, आप बहुत ज्यादा ढिंचैक करेंगे तो भी नहीं पसंद आएगा। कभी उसमें कुछ ऐसा था नहीं, म्यूजिक शो अच्छा था, लोग अच्छे थे, कहानी अच्छी थी, डायलॉग्स अच्छे थे, तो हर डिपार्टमेंट अच्छा था ना उसका। एंड आई थिंक आपने जो वर्ड बोला सिंप्लिसिटी, वो बहुत एक कोर पार्ट था उस शो का। It was inherently simple and बहुत सारा, it's not like you were like overwhelmed with content. और दूसरा क्या है कि एज ग्रुप का भी पार्ट नहीं था, बहुत यूथ को बहुत अच्छा लगा, बुजुर्गों को भी अच्छा लगा। बीच में जो 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 मिडिल क्लास था, मतलब मिडिल एज जो ग्रुप होता है, सॉरी, उनको अच्छा लगा, तो हर कैटर में अच्छा लग रहा था। और देख क्या है कि लाइफ में इतना बुरा चल रहा था, लोगों को थोड़ा सा हंस लिए, लोग खुश हो गए, तो यही बहुत है यार, वो that there is much much better thing. नहीं आती आप लाइफ में, इतना चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है, टफ टाइम चल रहा है, किसी ने देखा उसको अच्छा लगा और उसने जो है चल रहा है। Given that, before we move on to more about your details about our producer and actor and this balance, जो आपका रोल था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जो आई थिंक आपके आईएमडीबी पेज पर अभी तक पहले आता है कि आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में थे, वो वन रियली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट रोल वाज कि आप मीम बन गए एंड एक मीम बहुत वायरल हो गया आपका, तो व्हाट वाज दैट लाइक टू बिकम अ मीम? क्या आपको अच्छा लगा कि आप थोड़े से ऑफेंड हुए पहले, या सिर्फ इट वाज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? मीम तो बाद में शुरू हुआ, पिक्चर तो पुरानी थी, उसको तो लोगों ने, क्योंकि 8-9 साल हो गया फिल्म को आए हुए, बट ये था कि वो लोगों को पसंद है। भैया आप देखिए ना, पिक्चर अच्छी थी, जो उनको जिसको बोला गया कि थिएटर में नहीं चली, पर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड की 100 फिल्मों में से एक है वो। करेक्ट करेक्ट। तो वो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, वो बहुत करेक्ट होता है, लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने उसको मतलब उसके बारे में अच्छा कहा। हम सब लोग अच्छा कर रहे हैं उस फिल्म में, जो भी था, जो भी क्रू था, जो भी लोग थे, हम सब लोग अभी देखे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अच्छा, और तो करेक्ट हो रहा है अब पूरा क्रू। और अंदाज़ अक्सर लोगों ने जो है अच्छा काम किया है वो फिल्म का,
तो वो फिल्म अच्छी बनी है, लोग अभी अभी तक चलता रहता है वो मीम का, काफी रोज सुबह कुछ ना कुछ एक किसी ने टी शर्ट बनाई थी एक दिन कुछ दिन पहले मुझे तो मैंने कहा टी शर्ट ही बनने लगी, उसने कहा हाँ बनेंगे बच्चे। आपको आपको इस टी शर्ट से रॉयल्टी मिल रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेचारे बनाए हैं उनको मिलना चाहिए, मुझे क्या। एब्सोल्युटली देखता हूँ क्या हो रहा है और मजा करते रहते हैं लोग। करेक्ट। गिवन दैट आपका ये आप प्रोड्यूसर भी हैं एंड आप एक्टर भी हैं, तो आपको क्या लगता है फर्स्टली ये कॉम्बिनेशन होना आपके लिए इज इट अ बेनिफिट और इज इट अ डेट्रीमेंट, कि आप एक तो दूसरे के साइड समझते हो या दूसरे के प्रॉब्लम्स आप नहीं समझता। एक्चुअली क्या है कि अभी ऐसा लग रहा है, पहले जब वासेपुर हुआ था तो उसके बाद काफी ऑफर आए थे, मैंने किया नहीं था। हाँ। तो मुझे कंपनी दिलानी थी। हाँ। अभी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, देखते दोनों चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दिस इज टाइम क्वाइट टाइम टेकिंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग बिकॉज इट यू हैव टू बी देयर ऑन ऑफिस एंड एवरीवेयर। Yeah. But I'm trying this year कि चलो दोनों को जगल अप करके देखता हूँ, पर टफ है। प्रोड्यूसर होना मतलब थैंकलेस जॉब होती है, आपको सच बताता हूँ। प्रोड्यूसर होना जी वो आप कुछ भी कह लीजिए, आपको कभी अच्छा प्रोड्यूसर का नाम नहीं पता होगा। तो बड़ी अच्छी बनाई, क्रेडिट डायरेक्टर ले जाता है, एक्टर ले जाता है, जो भी होता है। प्रोड्यूसर जो है वो क्या है कि बेचारा, लोग हमेशा उसको बोलते रहते हैं अच्छा ये इसने कुछ ना कुछ किया होगा, गलती होती है तो प्रोड्यूसर हो जाती है। अच्छा जो होता है ना सबसे लास्ट प्रोड्यूसर होता है यार, कहां लास्ट में रुपए तो वो है। पर मुझे अच्छा क्या लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कहानी कहनी है और पार्ट इज की आई हैव टू प्रोड्यूस स्टफ, तो मैं कर सकता हूँ। इतने साल मेहनत करके मुझे लगता है ये मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ उसको, मेरी चॉइस है, मैं करना चाहता हूँ और वो चॉइस रहेगी हमेशा। मतलब अगर Correct. ये काम एक्टिंग तो चलो ठीक है, देख रहे हैं होगा होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बैठ जाएंगे। पर ये है अभी हो रहा है तो ट्राई कर रहा हूँ कि दो चार चीजें हो जाए एक साथ। प्रोड्यूस करने का मजा कुछ और है कि आप अपना शो देखते हैं फ्रॉम डे वन टिल डे ऑफ डिलीवरी ना, वो आपका होता है। हाँ। उसको कंसीव करना, उसकी टीम बनाना, उसको डेवलप करना, उसको जाके पिच करना, उसके लिए रिजेक्शन सुनना, फिर वापस जाना, फिर रिजेक्शन सुनना, फिर वापस जाना, तो बहुत ही पेशेंस वाला जॉब है। एब्सोल्युटली देखिए कुछ हाँ तो कुछ ज्यादा चल रहा है, पेशेंस वाला जॉब है। अगर पैशन नहीं है उस चीज के लिए तो कर ही नहीं सकता। हाँ। है कोई बर्न आउट हो जाएगा पूरी तरह से। एंड यू आर राइट, प्रोड्यूसर्स के बारे में मैंने भी एज एन आउटसाइडर सिर्फ नेगेटिव स्टोरी सुने हैं। अच्छी स्टोरीज बहुत कम सुने हैं। यू आर राइट, यू आर सो राइट। इट हैपेंस व्हेन यू नो, एक्चुअली आई वाज डूइंग एन इंटरव्यू में मयंक शेखर जो एक फिल्म जर्नलिस्ट है, मैं उनके साथ एक इंटरव्यू कर रही थी एंड उन्होंने बोला कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो हमको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, बट एक्चुअली वो प्रोडक्शन का बहुत एक पार्ट है सिर्फ। देयर इज सो मच मोर इन द फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज सो मच मोर इन शो बिजनेस दैट समटाइम्स गेट्स इग्नोर्ड बिकॉज यू नो यू ओनली सी व्हाट इज ऑन द फोरफ्रंट। एंड वो देखना भी चाहता है ना इंसान, देखना भी चाहता है, ग्लैमर देखना चाहता है, वो नहीं देखना चाहता, लेबर नहीं देखना चाहता है। सुबह 5 बजे उठ के किस तरीके से फिल्म बनाई गई है, एक स्पॉट पर सारा सुबह रात भर 20 घंटा काम करके वापस से काम करता है, एक प्रोडक्शन वाला रात भर सोता नहीं है, तो ये सब एक मेकिंग को जब आप देखते हैं ना तो आपको पता लगता है कि बाप रे बाप इतना मेहनत होती है। एक 1.5 साल लाइफ का आदमी चला जाता है और फ्राइडे में लोग एक पहला शो देखते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। और एक्टर को एक्टर के पैसे मिल जाते हैं, सब लोग अपने में घर जाते हैं, प्रोड्यूसर बैठा होता है। इसके लिए वापस से रीस्टार्ट करना होता है। अगर वो छोटा प्रोड्यूसर जैसा आदमी है, बड़ा आदमी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं है, उसको क्या है, उसको चला गया वो हो गया नेक्स्ट करेगा। बट जो हम लोग के साथ क्या होता है कि अगर हमारे कुछ चीज खराब होती है तो वापस से रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। करेक्ट करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटी कंपनी है, ऐसा कोई 500 करोड़ की कंपनी नहीं है जिसमें कोई भी स्टार चला है। करेक्ट, यहाँ तो सब बात जाना पड़ता है कि भाई साहब कर लीजिए अच्छा है। करेक्ट। नहीं वो है आपको,
जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो शो बिजनेस है, इवन इंक्लूडिंग वेब सीरीज जो अभी पूरी तरह मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो चुके हैं, एज एन आउटसाइडर, एज समबडी जिसको कोई कनेक्शंस नहीं है वहां पर, बहुत ही इंस्यूलर सीम होती है. बहुत ही मतलब जैसे कि यू नो ये एक सेपरेट दुनिया है, ये एक सेपरेट वर्ल्ड है, विच टू एन एक्सटेंट इज ट्रू. बट कंसिडरिंग कि आप एक आउटसाइडर है और आपने पेनेट्रेट किया थ्रू दोज वॉल्स एंड यू नो विदाउट हैविंग अ पर्सनल नेटवर्क, what was that like? वो कैसा जर्नी था? And is it true कि इतने हाई वॉल्स है कि कोई अंदर नहीं आ सकता है? वो अभी भी है, क्योंकि वो जो जर्नी जब तक बनेंगे नहीं तब तक जाएगा नहीं. आपको रोज ही करना पड़ेगा. आइडिया कुछ दिन, एक दिन ऐसा हो जाए कि मैंने कुछ बनाया और एक साथी वो बहुत बड़ा हिट हो जाए, या स्लम डॉग मिलियनेयर का प्रोड्यूसर हो जाए, तब कुछ चेंज हो सकता है. आइडली वो रोज रहता है यार, वो लाइफ में भी रोज है, क्योंकि ये हम लोग आउटसाइडर या इनसाइडर में कभी सोचता नहीं हूँ, क्योंकि काम ही करने आए थे ना. तो आप कभी ना कभी किसी का ट्रांसफर भी होता है, वो भी आउटसाइडर ही होता है ना कहीं किसी फैक्ट्री या कहीं पे भी जाके. तो मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता. मुझे काम बहुत जरूरी होता है. आप अगर रोज, जब तक आप काम, जो आप काम कर रहे हैं ना, तो उसको कोई सुन रहा है या उसे कोई बना रहा है, आप एकदम सही ट्रैक पे हैं. अगर आप कुछ और ही भलता कुछ सोच रहे हैं, कुछ जो नहीं बनने वाला है, और फिर लोग कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये, घर चले जाओ, तब जो है क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ये सब पेशेंस वाली लड़ाई होती है वहां पे बहुत कॉम्पिटिशन बहुत है. कोई भी चीज, अगर आप किसी भी चीज में जाएंगे वहां कॉम्पिटिशन है. यहाँ थोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ, क्योंकि ये कोई डिग्री होल्डर की तरह तो है नहीं, इसने एक पीजी किया है, दो ये किया है, तो शायद इसको आता होगा. यहाँ तो पूरा, आप सोचे ना 120 बनने की स्क्रिप्ट पे आप लोग पैसा लगाते हैं, कोई कागजी तो होता है ना, उसे क्या पता है कि ये इमोशन पे यहाँ जब ये रोएगा तो वो ऑडियंस भी रोएगी. तो जजमेंट का इशू बहुत रहता है. ये बिजनेस जो है वो बहुत ही रिस्की तो है ही है, क्या करेंगे. और कोई भी आदमी फ्लॉप फिल्म बनानी चाहता है. आप किसी को ढूंढिए आप जो कहे मैं भाई फ्लॉप फिल्म बनाऊंगा. खराब फिल्म भी जो बनाता है उसको भी लगता है अच्छी फिल्म बना रहा है. Absolutely. And actually, hit and flop and अच्छी और बुरी में हमेशा connection नहीं होता है. कि बहुत सारे खराब films भी hit हुए हैं, and बहुत सारे films जो box office पे they haven't done that well are actually brilliant pieces and they've become cult favorites. Including I mean Gangs of Wasseypur, I don't think you can say didn't do well, but जो आपने बोला word of mouth से धीरे 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 वो जैसे grow हुई. Absolutely. But okay. as right, sorry, please. I was saying, as an artist, another thing जो मुझको लगता है इंडिया में स्पेसिफिकली होता है कि जब कोई एक टाइप ऑफ रोल कर लेता है तो उसको हमेशा हम लोग उसी कैटेगरी ऑफ रोल्स में देखते हैं. वेरी मोस्टली इवन इन मेन स्ट्रीम बिग बजट बॉलीवुड मूवीज there is a certain type of actress जो हमेशा ऐसे role play करेगी जो उसको कुछ नहीं पता and वो बस ऐसे मतलब you know जो prop plot device होती है. and there is a certain type of actress जो हमेशा smart लड़की के roles करेगी. तो for you, आपके लिए वो categorization कभी हुआ? and as an artist which roles would you like to play? अरे मुझे एक्चुअली, मैं कैटेगराइज तो होता ही, क्योंकि वासेपुर के बाद जो भी रोल आता इंस्पेक्टर पुलिस ऐसा ही आता. या मैं भी ना नहीं कहता, मैं कहता चलो लव कर, अच्छा होता है तो कर लेता हूँ. कैटेगराइज करते ही, क्योंकि ऑडियंस को मामाया भी क्या कहते हैं ना, पहले जमाने की फिल्मों में आप देखेंगे तो कॉमेडी करने वाला जॉनी लीवर ही होते थे. अब दूसरे से आप तैयार नहीं करने के लिए करके हम लोग ने कभी ऐसे, तो हम वो तो हमें माइंडसेट का खेल है ना, कि हम अपने माइंड को ऐसा तैयार करते हैं कि हंसना है तो यही आ जाएगा, रोना है तो इसके अंदर ये आ जाएगा. तो वो चेंज होना बहुत जरूरी है. काफी चेंज भी हुआ कि जो है चेंज हुआ. गोविंदा एक दिन बहुत बड़े स्टार बन गए कॉमेडी करके. तो बहुत बड़ी चीज है वो भाई. अब वो उसको तुम दूसरा गोविंदा नहीं बना सकते ना इस दुनिया में. हम लोग क्या करते हैं, टाइपकास्ट करके फिर से कर लेते हैं. वो सब हो नहीं सकता. एक आदमी एक ही चीज कर सकता है जो शायद उसमें बहुत अच्छा हो, और हम क्या करते हैं कि उसको अब चाहते हैं कि दूसरा भी वही करे, तीसरा भी वही करे. सब लोग सब चीज नहीं कर सकते. दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं पैदा हो सकते इस दुनिया में. आप अगर चाहेंगे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन बन जाए तो नहीं हो सकता. वो अभिषेक बच्चन है, वो उसकी अपनी दुनिया है, अपने टाइप में एक्टर है यार, बिल्कुल. तो वो हमारी गलती है, हम लोग करते हैं ऐसा as audience.
करेक्ट ऐसे टाइप कास्टिंग करते हैं ना हम लोग, और वो आदमी भी बेवकूफ है जो उसको कुछ कर रहा है वो करने के लिए, उसको खुश नहीं करने दे रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो वो अलग है ना, वो हम लोग की गलती है, करने वाले की भी गलती है। वो टाइप कास्टिंग करते रहते हैं फिर जो फंस जाते हैं, फिर कहते हैं उससे हो नहीं रहा है, अरे उससे और तो कराओ कुछ। करेक्ट 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 हाँ तो वो है या एंड यू आर कम्प्लीटली राइट। हम लोग भी एसोसिएट करने लगते हैं एज ऑडियंस। हाँ अच्छा, रणबीर कपूर की मूवी है, मतलब वो खुद को डिस्कवर करने वाला है इस मूवी में, नहीं होने वाला और कुछ नहीं होने वाला है, एंड इट्स वेरी ट्रू। उनके फादर को देखिए ना, ऋषि कपूर साहब कितने बड़े एक्टर थे, रणबीर कपूर से आप ऋषि कपूर नहीं मान सकते ना, वो तो अलग है, दो अलग अलग लोग, एब्सोल्युटली दो अलग अलग चीजें हैं। और टाइप कास्टिंग तो बहुत बहुत होती है, और वो क्या है कि अच्छा है तो मैंने ये सोचा मुझे फिर से अभी कुछ दो तीन पुलिस वालों का फिर रोल नंबर लॉक करता हूँ, अब आपकी बात बताऊंगा उसमें कुछ चेंज मुझे कर पाए तो अच्छा रहा, मतलब जो पिछले वाले पॉप से अलग रहा जो उसके, तो मैं भी सोचता हूँ चलो ठीक है, क्योंकि मैं इतना एक्टिंग के पीछे अभी भाग नहीं रहा हूँ। जो कोई यार, क्योंकि चार पांच चीजें आई, दो तीन चीजें अच्छी नहीं लगी, मना कर दिया। मैंने कहा भाई कुछ दिन अभी कंपनी में चलाऊं, पर वो वही चीज आ रही है, सारे कॉप का रोल है, हरामी कॉप है, आपको ये करना है और गाली देनी है आपको। वो है थोड़ा सा। हाँ तो since you said कि आपके पास बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, एनीथिंग यू कैन शेयर, एनीथिंग जो आप बताना चाहेंगे? नहीं अभी पंचायत 2 कर रहा हूँ, ये आपको बता देता हूँ। ओह वाओ, वेरी एक्साइटेड। हाँ, पर और कुछ हो रहा है वो जल्दी अनाउंस करो, हो गया तो जल्दी, आई एम श्योर उन्होंने फोन पी लेंगे वो लोग। ऑलराइट, एंड लास्टली जस्ट बिफोर हम लोग कंक्लूड करें, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ लोग जो हम लोग को देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री शो बिजनेस बहुत एक फार ऑफ ड्रीम लगती है, जो मैंने पहले भी बोला, बहुत ही एक अलग दुनिया लगती है। तो आप उनको, मतलब कोई अगर अपकमिंग आर्टिस्ट है, कोई somebody who wants to enter the acting space, किसी को जिसको producer बनना है but does not necessarily come from that backing, आप उनको क्या, अगर आप उनको कुछ message देना चाहेंगे? Far of dream जो होता है ना वो मुझे लगता है wrong word है, क्योंकि dream जो है ना वो unbelievably होता है। Dream पे dream नहीं रहेगा ना फिर। Dream में आप चाय पी रहे हैं वो थोड़ी dream है, dream अगर आप यहाँ से वहाँ पे हैं तो dream करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है। और जो है मुझे तो बॉम्बे से यही समझ में आया कि मुझे, मेरे पास तो पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं, पर मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मेहनत करना होता है यार, क्योंकि हमारी चॉइस से हम आते हैं, हमारे माँ बाप तो भेजते नहीं यहाँ पे, तो आप ब्लेम किसको करोगे? अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली फिर आप अपने माँ बाप को बोल सकते तुम ही तो हमको फंसा के, है ना? ये जो है मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे करना खुद के लिए है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मुझे चुपचाप काम करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। और आज की डेट में सबसे बेस्ट पार्ट है जो नया, जो आप लोग का जो यूथ है वो बहुत अवेयर है, बहुत अच्छा है, बहुत तमीज का है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको सब पता है। हम लोग आप ये जो बहुत बड़े वो थे टफर थे पर टेक्नोलॉजी ने सबको बहुत अच्छा कर दिया है, तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव पार्ट को यूज करना चाहिए, ना ही नेगेटिव। करेक्ट, करिए काम काम, और कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है बॉम्बे, लोग सब काम करते हैं यहाँ। सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि आप काम करेंगे तो लोग अपने आप बुला लेते हैं, चलो भाई आके काम करोगे। अगर आप बदतमीज टाइप के वैसे टहलने घूमने वाले हैं तो पहली बार में पता लग जाता है और आपको चेंज होना पड़ेगा। करेक्ट, मैंने काफी गलतियां की हैं लाइफ में, तो उसके बाद सीख सीख के हुआ ये। ऐसा कोई रॉकेट साइंस मेरे दिमाग थोड़े थे कि मैं आते साथ चुटकी बजेगी, अभी 18-19 साल हो गया करते करते, शायद और 20 साल लगेंगे, शायद और 50 साल लगेंगे, और मैं काम काम करना चाहता हूँ रोज सुबह उठ के। ये जब इंटरनली मुझे लगता है मुझे काम करना है तो मुझे लगता है यही चीज है, लेट्स डू इट देन, योगा देखेंगे शाम तक। करेक्ट करेक्ट, इंटरनल ड्राइव होना चाहिए, बिकॉज़ फर्स्टली इन द फिल्म इंडस्ट्री आप डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं हो, अनलेस यू आर एट अ इन अ कॉन्ट्रैक्ट फेज राइट नाउ, आप एक्चुअली फ्रीलांसर ही है, गिग वर्कर्स ही है सभी। तो एग्जैक्ट, तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पर, तो आप अकाउंटेबिलिटी आपको खुद की होनी चाहिए, एंड लाइक यू सेड यू नो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते कि क्यों भेजा आपने हमको बॉम्बे, क्योंकि वो एक खुद का। हाँ, क्या हर चीज के लिए अच्छा है, आप एक इंसान है, आप अगर एक्टर हैं तो आपको अपनी लाइफ में ढेर सारी चीज एक्ट करने को मिल रही है जो आप एक जिंदगी में नहीं कर पा रहे थे। या
आप एक जिंदगी में इंजीनियर बन के शायद रह सकते थे, आप कभी ये बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं, कभी एक्स बन जाते हैं। आप एक वर्कर भी हैं तो आपको ऑन अ डेली बेसिस अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम मिल रहा है, तो आप अलग अलग दुनिया देख रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा लाइफ में। Absolutely. एक लाइफ में आपने इतनी हजार चीजें देख ली सुबह से लेकर रात तक, तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए अपने आप पे कि आपने चॉइस किया। हाँ, ये चॉइस टफ है, इसमें बहुत मेहनत है, इसमें बहुत मतलब डिप्रेशन है, चीजें कभी खराब हो जाती है, नहीं हो पाता है, पर वो डिप्रेस नहीं होने का, वो आपको तैयार करता है कि यार चलो नया करते हैं। क्योंकि आपसे भी ज्यादा तकलीफ वाले लोग यहाँ पे हैं जो रोड पे बेचारे सुबह उठ के काम कर रहे हैं। Absolutely. इस शहर में लोग रोज चार बजे से लोग जो है उठ जाते हैं, तो आप उनको देखिए जो है और अपनी तकलीफ को छोटा कर दीजिए उनके आगे। दोस्त मतलब लोग 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं काम करके वापस आते हैं। Correct. तो आप तो अच्छे हैं, अच्छे गुड बुक उसमें है कि आप जो है, तो वो है यार, वो अच्छा है, पर अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड इंटरनल ड्राइव इज की, एंड आपका खुद का अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस इन एनी फील्ड, बट मोर सो इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड मोर सो इन शो बिजनेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमसे बात की, एंड आई हैड अ वेरी, मुझको तो बहुत, आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड कि अगर मेरे में कोई टैलेंट होता तो शायद मैं भी जाती बॉम्बे, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल तो लीगल वाले लोग सबसे ज्यादा है भाई। तो पैसे कमा रहे हैं वो लोग। बेस्ट पार्ट इज कि तुमको तो सीधा स्टेट आ जाना चाहिए, तो मुझे बताओ कब आ रही। अरे वकील लोगों के पीछे तो हम हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, लॉयर लोग तो, अरे लॉयर और डॉक्टर तो दुनिया चला रहे हैं अभी, दुनिया चला रहे हैं अभी। All right, hopefully एक दिन जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब हमारे, हाँ please do that, बट होपफुली आपको लॉयर और डॉक्टर दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। लॉयर तो चाहिए मुझे, हर दिन चाहिए रहता है। लॉयर को देखते ही उधर जाते हैं कि अरे भाई लॉयर चाहिए, हर एक टाइम एंड स्पेस में लॉयर चाहिए यहाँ पे। एब्सोल्युटली। मीडिया लॉयर तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है और हर जगह। Alright, thank you so much, sir, कि आपने हमारे लिए time निकाला and you spoke to us. And what I especially hope from this interview is जो भी upcoming artists हैं, जो भी आपके you know younger versions हैं, वो आपको देख रहे होंगे and you will draw inspiration from your story, because I know कि मैंने बहुत inspiration draw किया आपकी story से अभी. And I wish you a lot of success and I hope Panchayat 2 and जो भी आपका secret project भी चल रहा है pipeline में brings you a lot of success and laughter. So thank you so much, sir, for taking the time. Thank you very much. Thank you. God bless you. Take thank care. You. Thank you.